हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग DSSB और SSSC ESIC और आपका जो सफदरगंज के लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली है उसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का ये हमारा 10 नंबर का लेक्चर है। इसमें हम लोग टॉप MCQ को पढ़ने वाले हैं। ये आपके जो MCQ होंगे बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। साथ में आपके अदर एग्जाम जैसे कि AIIMS LT हो गया, PGI लैब टेक्नीशियन हो गया और आपके NHM एग्जाम होंगे। इन सभी एग्जाम के लिए आपका ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। PDF के साथ साथ वहां पे नोटिफिकेशन क्विज वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम ID है Mani Tiwari 123, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307781812, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के MCQ की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा MCQ शुरू होगा 226 नंबर से शुरू होगा, क्योंकि जो 225 नंबर के MCQ हैं उनको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। तो हमारा जो 226 नंबर का MCQ है, ये कह रहा है कि ए रूटीन GTT, यानी कि जो आपका एक रूटीन ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है, इसमें कौन से इसमें ऑप्शन सही होंगे। तो GTT के रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं। D3 hours long, यानी कि ये 3 घंटे की लॉन्ग होती है, टाइमिंग लगता है इसमें। या फिर ऑप्शन जो हमारा B दिया गया है, रिक्वायर्ड 5 ब्लड सैंपल। सी दिया गया है, इंक्लूड 6 यूरिन सैंपल। डी आपका दिया है, यूज 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन ए 300 सोल्यूशन। या फिर ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, यूजेज 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml सोल्यूशन। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा GTT की, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट की, तो ये आपके डायबिटिक के लिए किया जाता है, यानी कि डायबिटिक मेलाइटिस के लिए किया जाता है। साथ साथ में जो आपका प्रेगनेंट वुमेन होती है उनमें भी ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी इज द राइट नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर जाएगा। क्योंकि जो हमारा GTT होता है उसमें हम लोग क्या 5 सैंपल लेते हैं अपने ब्लड का, उसमें जो आपकी गैपिंग होती है आधे आधे घंटे की गैपिंग होती है और हमें 5 सैंपल की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बात करें कितने ग्राम की ग्लूकोज हम लेते हैं तो 75 ग्राम की यहाँ पे ग्लूकोज हम लोग इनटेक करते हैं। कितने ग्राम की? 75 ग्राम, यानी कि 75 ग्राम ग्लूकोज को यहाँ पे इनटेक कराया जाता है। उसके बाद में अलग अलग समय पे जो आपकी ग्लूकोज का लेवल है उसका यहाँ पे हम लोग रीडिंग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आप पे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न होगा 226 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 225 नंबर के MCQ को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया है। हमारा आज का MCQ है ये रूटीन GTT, यानी कि एक आपका जो रूटीन ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही जाएगा। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, इज 3 hours long, यानी कि ये 3 घंटा लंबा प्रोसेस होता है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है, रिक्वायर्ड 5 ब्लड सैंपल, यानी कि इसमें आपके 5 ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। या फिर आपका इंक्लूड 6 यूरिन सैंपल, या फिर इसमें आपके 6 यूरिन सैंपल की आवश्यकता होती है। या फिर आपका यूजेज 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 300 सोल्यूशन। या फिर आपके 100 ग्राम जो आपका ग्लूकोज है उसको 300 ml सोल्यूशन में घोल कर लिया जाता है। या फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन है, यूजेज 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml सोल्यूशन, यानी कि 50 ग्राम आपका जो ग्लूकोज है उसको हम 500 ml सोल्यूशन में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो राइट नंबर आपका जाएगा बी, क्योंकि जो हमारा GTT है, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है, इसमें हमें 5 ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है। एक हमें क्या होता है फास्टिंग की होती है और 4 हमें ग्लूकोज लेने के बाद की आवश्यकता होती है। एक्चुअली में हम ग्लूकोज लेते कितना है तो 75 ग्राम, यानी कि 75 ग्राम यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज को इंटेक करते हैं, उसके हम आधे आधे घंटे बाद इसकी रीडिंग को लेते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट हम कहाँ पे करते हैं? तो हम ये डायबिटिक के केस में करते हैं, यानी कि हमारा जो डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 है उसमें कर लेते हैं। साथ साथ में ज़्यादातर आपके प्रेगनेंट वुमेन में भी आपका ये किया जाता है, उनके ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा 227 नंबर का है। ये कह रहा है कि ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन के रिकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, यानी कि आपका जो HbA1c है, या फिर कहो कि ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन है,
उसके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका दिया है कॉजेस सिकल सेल एनीमिया, क्या आपका एचबीएमसी सिकल सेल एनीमिया को कॉज करता है। तो उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया है इज इफेक्टेड बाय पेशेंट फूड इनटेक ऑन द डे ऑफ फेस्टिंग, यानी कि ये आपका जो है इफेक्ट डालता है जब आप दिन में एक बार कोई भी फूड इनटेक कर लेते हैं उसके बाद अगर आप टेस्टिंग करवाते हैं तो। इन ड्रा ऑन ए ग्रीन टॉप ट्यूब, या फिर इसको आप ग्रीन टॉप ट्यूब में इसको ड्रा करोगे, या फिर आपका जो डी ऑप्शन है इंडिकेट ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ, या फिर आपका ऑप्शन नंबर लास्ट है रिक्वायर्ड एंड एसएसटी ट्यूब। तो देखो भाई ये सिकल सेल एनीमिया को तो काज नहीं करता है, ये काज क्या करेगा, अगर इसकी मात्रा ज्यादा है तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, या फिर कह सकते हमारा ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, हमें डायबिटिक मेलाइटिस का कंडीशन बना रहेगा, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर आप दिन में कोई भोजन ले लेते हो क्या आपको ये इफेक्ट डालता है, तो नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इस ड्रा ऑन ग्रीन टॉप ट्यूब, तो ग्रीन में नहीं लेते हैं भाई, किस में लेते हैं इसको, हम लेते हैं किस में, आपका यहाँ पे ग्रे कलर का होता है, ठीक है, क्या होता है आपका ग्रे कलर, यानी कि हम लोग सॉरी यहाँ पे ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ईडीटीए में लेते हैं, ठीक है, जो आपका एचबीएमसी सैंपल होता है किसमें हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ईडीटीए में लेते हैं, ठीक है। ईडीटीए तो कैसा हो जाएगा आपका लेवेंडर कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका लेवेंडर कलर का हो जाएगा, ठीक है, लेवेंडर कलर का टॉप रहेगा, ठीक है, पहली बात आपको ये समझ लेना है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है इंडिकेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ, यानी कि ये प्रीसीडिंग प्रीवियस मंथ के ग्लूकोज लेवल को बता पाता है, तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो आपका एच बी एवन सी है ये आपके जो ग्लूकोज होते हैं या फिर कह सकते जो आपके ग्लाइकोजन होते हैं ये आपके किसके साथ, ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो आपका ये वन मंथ रिपोर्टिंग कर पाता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका वन मंथ का रिपोर्टिंग यहाँ पे आपका ये कर देगा, आपके ग्लूकोज लेवल को बता देगा, क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो आपके एक मंथ की रिपोर्टिंग आराम से यहाँ पे बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर जाएगा। क्या इसमें एसएसटी ट्यूब की आवश्यकता होती है, तो नहीं भाई, हमने बताया कि लेवेंडर कलर टॉप की आवश्यकता होगी और उसके बाद में आपका ये ईडीटीए होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि जो हमारा अदर प्रकार का शुगर का टेस्ट होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे ठीक है फास्टिंग हो गया, ठीक है, यानी कि एफबीएस हो गया, या फिर आपका जो है आरबीएस हो गया, रैंडम ब्लड शुगर हो गया, या फिर आपका पीपी हो गया, इसको तो हम लोग ग्रे ट्यूब में लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्या करना है एचबीएमसी करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईडीटीए सैंपल की आवश्यकता होती है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 228 नंबर का एमसीक्यू, ये कह रहा है कि सीरम इज एसिडिफाइड आफ्टर सेपरेटिंग फॉर व्हिच टेस्ट, यानी कि जो आपका सीरम है इस सीरम को हम किस टेस्ट करने के लिए उसको हम एसिडिफाइड करते हैं, यानी कि इसको हम अम्लीकृत करते हैं, मतलब अपने सीरम में कुछ ऐसा डालोगे जिससे उसका जो करेक्टर है क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, अम्लीय हो जाए, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट है जिसमें हमें एसिडिक करना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट है, या फिर आपका फ्रेंड्रिक-थॉमसन टाइपिंग है, या फिर आपका एसिड फास्फेटेज है, बर्न टेस्ट है, या फिर आपका क्रिएटिनिन है। तो देखो भाई अगर सीरम को एसिडिफाइड करना पड़ रहा है तो आपकी एसिड फास्फेटेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एसिड फास्फेटेज एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है, इसको अगर आपको डिटेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सीरम को एसिडिफाइड करोगे। अच्छा, एसिड फास्फेटेज कहाँ पे ज्यादातर आपके पाया जाएगा, तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, क्या आपका जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वहां पे आपके जो है एसिड फास्फेटेज ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए इसको हम एज ए कैंसर मार्कर भी इंक्लूड करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर मार्कर इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करोगे फ्रेंड ठीक है प्रिडिक्शन टाइपिंग की, तो ये आपका क्या करता है, ये आपका जो हाइपरलिपिडीमिया है ना, हाइपरलिपिडीमिया है, इसको क्लासीफाई करने के लिए, इसको क्लासीफाई करने के लिए इस प्रकार की पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। और अगर बन की बात करोगे तो सभी को पता होगा ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, क्या होता है आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है इसका फुल फॉर्म बन का, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने यहाँ पे ये सीखा कि हम अगर हमें एसिड फास्फेटेट टेस्ट लगाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सीरम को क्या करना होगा, एसिडिफाइड करना होगा, जो आपका एसिड फास्फेटेज है प्रोस्टेट ग्लैंड से प्राप्त होता है, एज इसको हम कैंसर मार्कर भी ट्रीट करते हैं। और आपका जो ठीक है प्रेडिक्शन टाइपिंग है, इसको हम हाइपरलिपिडीमिया को क्लासीफाई करने के लिए इस प्रकार के पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं। बन का फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इतनी बात आप लोगों ने यहाँ पे समझा। और जो आपका यूरिक एसिड है, बन है, क्रिएटिनिन है, इन सभी को हम करने के लिए सीरम की ही आवश्यकता होती है, ये बात भी अपने दिमाग में जब बैठा लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 229 नंबर का एमसीक्यू, ये कह रहा है कि डब्ल्यू एच एम आई एस स्टैंड फॉर, यानी कि आपका जो डब्ल्यू एच आई डब्ल्यू एच एम आई एस इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है।
ऑप्शन आपके हैं वर्कर हार्मफुल मटेरियल इन्फॉर्मेशन शीट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। वर्कर हैंडबुक एंड मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। वर्क प्लेस हैजार्डस मटेरियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर आपका वर्क प्लेस हार्मफुल मेथड एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो देखो इसमें से सभी आपके रॉन्ग जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपका जो WHIMS का फुल फॉर्म है ये आपका वर्क प्लेस हैजार्डस मटेरियल एंड इन्फॉर्मेटिव सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा 230 नंबर का MCQ है, ये कह रहा है कि आपका जो MSDS सीट है ये क्या कंटेन नहीं करता है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से इसके अंतर्गत यानी कि MSDS के अंतर्गत क्या नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, हमें समझना होगा कि हमारा MSDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मटेरियल, क्या होता है आपका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, क्या होता है आपका मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता है। कॉपी में नोट कर लेना, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट आपका किसका फुल फॉर्म हो जाता है, MSDS का फुल फॉर्म हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है, प्रोड्यूस आइडेंटिफायर एंड यूजर नहीं आता है, तो ये आपका ठीक है आता है, ठीक है ये आता है। हजार्डस इंग्रेडिएंट आते हैं, फर्स्ट टेस्ट मेजरमेंट आते हैं, प्रिवेंटेटिव मेजर्स आते हैं, हजार्डस सिंबल नहीं आता है। तो देखो भाई क्या पूछा है कि कौन चीज कंटेन नहीं करता है, तो ये सभी आपके जो है कंटेन करते हैं, केवल आपका हजार्ड सिंबल्स नहीं कंटेन करता है। तो और सही आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, केवल आपका जो राइट आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हेन यूजिंग एसिड एंड वाटर, यानी कि जब आप वाटर और यानी कि पानी और अम्ल को एक साथ अपना ट्रीट कर रहे होते हो, ट्रीट करने का मतलब मिला रहे होते हो, तो इसको कैसे आप मिलाओगे, ठीक है। एसिड इज स्लोली एडेड टू वाटर, यानी कि जो आपका एसिड है इसको आप स्लोली अपने वाटर में ऐड करोगे, या फिर आपका वाटर इज स्लोली एडेड टू एसिड, यानी कि अपना जो वाटर है उसको आप एसिड में स्लोली ऐड करोगे, या फिर आपका वाटर एंड एसिड आर एडेड टूगेदर, यानी कि आप एसिड और वाटर को एक साथ में यहाँ पे ऐड करोगे, यानी कि इधर से एसिड डाल रहे हो उधर से आप क्या डाल रहे हो वाटर डाल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। इट मेक डिफरेंट टू हाउ दे आर एडेड, यानी कि इट मेक नो डिफरेंस, यानी कि कोई डिफरेंस इसमें नहीं कैसे आपको ऐड करना है, ठीक है, जैसे मन के वैसे ऐड कर दो। दे आर नेवर मिक्स्ड एज हीट इज प्रोड्यूस, यानी कह रहा है कि इसको आप कभी नहीं मिक्स करते हैं, क्योंकि ये आपका हीट यानी कि उष्मा यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो देखो भाई जब भी आप एसिड और वाटर को आपस में मिलाते हो तो हीट तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये लाइन तो आपकी सही है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कह रहा है कि नेवर मिक्स ये गलत हो जाता है। हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमें अगर डायलूट करना है सैंपल को तो हमें मिक्स करना है, और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें वाटर और एसिड को मिलाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे उसको करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हीट नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम उसको मिक्स भी करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, क्या तरीका है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही तरीका है कि आप एसिड को क्या करोगे वाटर में क्या करोगे मिलाओगे। जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये ठीक है टैंक में आपका क्या है वाटर है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका बीकर वगैरह है उसमें वाटर है, तो उसमें क्या करोगे स्लोली स्लोली आप क्या करोगे एसिड को डालोगे, स्लोली स्लोली क्या करोगे एसिड को डालोगे, जिससे क्या होगा आपका जो है हीट तो वहां पे प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपके चेहरे पे सीधा आपका यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप वाटर में ठीक है एसिड में अगर आप वाटर को डाल रहे हो तो वो बहुत आपका नुकसान देगा, क्योंकि जैसे आप उसमें डालना शुरू करोगे आपके ऊपर एक बैग से छींटा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो ब्लास्ट होने का डर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने वाटर में क्या डालते हैं एसिड को स्लोली स्लोली डालते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर फास्टर भी डाल दोगे ना तब भी वही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट होने का डर बना रहेगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 232 नंबर का MCQ है, ये कह रहा है कि इंसिडियस हैजार्ड्स यानी कि घातक खतरे इसमें कौन कौन से है, ठीक है, इंक्लूड सबस्टेंस विच रिएक्ट टू वॉलेंटरी विथ ईच अदर, यानी कि वॉलेंटरी एक दूसरे के साथ यहाँ पे ठीक है रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंक्लूड्स एरोसॉल्स कार्सिनोजेंस म्यूटेजेंस एयर आपका रेडिएशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट जाएगा, और भी है लेकिन वो आपके राइट आंसर नहीं जाएंगे, एक बार इसको पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा, नहीं तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। इसमें जो आपके एरोसॉल्स होते हैं कार्सिनोजेंस होते हैं म्यूटेजेंस होते हैं और आपके जो रेडिएशन होते हैं ये आपके क्या होते हैं आपके घातक खतरे वाले कह सकते होते हैं यानी कि इंसिडियस ठीक है हैजार्डस यहाँ पे होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 233 नंबर का MCQ है, ये कह रहा है कि व्हिच टेस्ट वुड नॉट बी परफॉर्म ऑन प्लाज्मा और सीरम, यानी कि इनमें से कौन सा जो टेस्ट है उसको हम प्लाज्मा और सीरम के द्वारा नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं लिपोप्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस,
आयरन, बन, हीमोग्लोबिन, आपका इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल। तो देखो अगर मैं बात करूंगा प्लाज्मा और सीरम की बात, तो हम सीरम से क्या करते हैं, हम आयरन करते ही हैं सीरम से, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बन तो हम करते ही हैं सीरम से, हमने पहले ही बता दिया आपको। इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल आपके सीरम में ही प्रेजेंट होंगे, आपके प्लाज्मा सीरम में ही प्रेजेंट होंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, तो इसको तो हम सीरम के द्वारा कर ही लेंगे, ठीक है। बचा यहाँ पे क्या, लिपोप्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस, तो वहां पे लिपोप्रोटीन है, उसको भी हम लोग अपने किसमें, हम लोग वहां पे सीरम में डिटेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस, इसी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको प्लाज्मा और सीरम के द्वारा डिटेक्ट नहीं करते हैं, या तो कह सकते हैं इसमें हम होल ब्लड की आवश्यकता होती है, या फिर हमें आरबीसी की आवश्यकता यहाँ पे होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या करता है, जो आपके टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ क्या होते हैं, जो आपके हीमोग्लोबिन होते हैं उनको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। जो हमारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, क्या, जो हमारे एबनॉर्मल यहाँ पे, ठीक है, हीमोग्लोबिन होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को भी हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये होता है कुछ आपका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 234 नंबर का एमसीक्यू। ये कह रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द, यानी कि आपका जो फंक्शनल यूनिट है आपके किडनी का, आपके ब्रिक का, जो ब्रिक ही कहेंगे, ठीक है, गुर्दे से अच्छा है ब्रिक यहाँ पे कर लो, जो आपका ब्रिक है, ब्रिक का जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, संरचनात्मक और आपका क्रियात्मक जो यूनिट है वो आपका क्या होता है, रीनल सेल होंगे, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल ट्यूब्यूल, या फिर आपका ब्लेडर होगा, या फिर आपका नेफ्रॉन्स होंगे। तो देखो सभी को पता होगा कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है आपका नेफ्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा कि प्रत्येक किडनी कितने नेफ्रॉन्स को रखती है, तो यहाँ पे लिख भी सकती हो आपका 10 लाख यहाँ पे, ठीक है, 10 लाख आपका जो है नेफ्रॉन्स, ठीक है, कंटेन ईच किडनी, ठीक है, कंटेन ईच किडनी, ठीक है, ईच किडनी, ओके, यानी कि प्रत्येक जो आपकी किडनी है लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स को रखती है। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, 1.2 मिलियन टोटल लिख दिया जाता है कि 1.2 मिलियन आपके क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो भी यहाँ पे बात सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपके एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे वैसा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आंसर को पुट करना भाई साहब, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा 235 नंबर का एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि पस सेल आर फैट इन यूरिन वुड काज दिस कलर, यानी कि अगर आपके यूरिन में पस सेल प्रेजेंट है या फिर आपके फैट प्रेजेंट है, तो वहां पे आपके यूरिन का कलर क्या होगा, रेड होगा, येलो ब्राउन होगा, ग्रीनिश ब्लू होगा, मिल्की व्हाइट होगा, या फिर आपका यहाँ पे ब्लैक होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ कलर्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में इसके राइट आंसर को करेंगे। तो सबसे पहले पे जो हम लोग कलर देखेंगे वो हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है किस कलर का, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है स्मोकी कलर का, क्या हो जाता है आपका, स्मोकी कलर, ठीक है, स्मोकी कलर। उसके बाद में दूसरा कलर हम यहाँ पे देखते हैं जो होता है आपका कोला कलर का, ठीक है, क्या होता है आपका कोला कलर हो जाता है, बाद में भी लिखते हैं, ठीक है, एक एक को समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे किस में क्या होगा, ठीक है, कोला कलर। उसके बाद में आपकी यूरिन में ऑरेंज कलर भी देखने को मिलता है, क्या, ऑरेंज, ठीक है, ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ऑरेंज ब्राउन कलर। उसके बाद में आपका क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे येलो कलर देखने को मिलता है, ठीक है, येलो कलर। फिर उसके बाद में आपको क्या मिलता है, मिल्की मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है आपका, मिल्की मिलता है। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किसमें कौन सा कलर होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे किसमें कौन सा कलर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्मोकी कलर किसके वजह से होगा, तो आपके आरबीसी के वजह से होगा, ठीक है, आरबीसी के वजह से होगा। अगर आपके यूरिन में क्या आ रहा है, आपके यूरिन में आरबीसी आ रहे हैं, आपके रेड ब्लड सेल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आपके रेड ब्लड सेल अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा स्मोकी कलर। कोला कलर क्यों होता है भाई, आपके हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, यानी कि अगर आपकी यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है तो क्या होगा, आपका कोला कलर का होगा। ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन आपके यूरोबिलिन की वजह से होता है, क्या, आपके यूरोबिलिन की वजह से होता है। येलो कलर आपके बिलरुबिन की वजह से होता है, किसकी वजह से, बिलरुबिन की वजह से होता है, ठीक है, बिलरुबिन की वजह से होता है। और जो आपका मिल्की कलर है आपके किसके द्वारा, आपके पस सेल, ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी फैट्स, ठीक है, अगर फैट भी नहीं कह पा रहे हो तो आप इसको चाइल्ड भी नाम दे सकते हो, क्या, इसको आप यहाँ पे चाइल्ड भी नाम दे सकते हो। चाइल्ड का जो कंडीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चाइल्ड यूरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, चाइल्ड यूरिया कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड यूरिया कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक बात इतनी तो होगी कि ये सब आपके एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जितने हमने पढ़े एबनॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो कि हमारे जो नॉर्मल यूरिन का कलर है वो क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल यूरिन का कलर क्या होता है, ठीक है, यूरिन का कलर क्या होता है, ठीक है, यूरिन का कलर क्या होगा, तो यूरिन कलर हमारा होता है अंबर कलर, क्या होता है हमारा, अंबर कलर, ठीक है। क्यों होता है, तो हमारे
क्या होता है जो हमारे ठीक है क्या होते हैं हमारे जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है क्या प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट यूरोक्रोम जो पिगमेंट होते हैं, यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक है यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से हमारा क्या होता है जो हमारा यूरिन है वो क्या होता है अंबर कलर का होता है। ठीक है तो आपने यहाँ पे क्या क्या समझा है समझ लो एक बार फिर से, कुछ अब नॉर्मल कंडीशन दिए गए हैं आपके किसके यूरिन के, जैसे कि स्मोकी कलर अगर आ रहा है तो किस वजह से आपके आरबीसी की वजह से, यानी कि आपके यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट है। अगर कोला कलर आ रहा है तो कोला कलर किससे प्रेजेंट है भाई, उसमें अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो वहां पे आपको कोला कलर देखने को मिलेगा। ऑरेंज जो है वो आपका क्या होगा आपके यूरोबिलिन की वजह से होगा। येलो आपका है तो अगर आपकी यूरिन में क्या आ रहा है बिलरुबिन आ रहा है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है। ठीक है मिल्की है तो क्या हो सकता है आपके पस सेल हो सकते हैं, फैट या फिर फैट को हम चाइल्ड भी कहते हैं तो चाइल्ड के कंडीशन में हो सकता है। ठीक है उसके बाद में आपने ये भी समझा कि जो हमारा नॉर्मल यूरिन है उसका कलर क्या होता है तो आपका अम्बर कलर का होता है। क्यों होता है तो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से हमारा यूरिन का कलर क्या होता है यहाँ पे ये आपका अम्बर कलर का होता है। ठीक है तो राइट आंसर क्या जाएगा तो पस सेल या फैट सेल प्रेजेंट है आपके यूरिन में तो आपका ये क्या हो जाएगा मिल्की व्हाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा। ओके भाई चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 236 नंबर का एमसीक्यू है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर, यानी कि जो प्रोटीन का पाचन के अंतिम उत्पाद है वो आपके क्या होंगे, ग्लिसरॉल होंगे, फैटी एसिड होंगे, ट्राइग्लिसराइड, मोनोसेक्राइड या फिर आपका अमीनो एसिड। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राइट बनेगा अमीनो एसिड होगा, क्योंकि जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है आपका अमीनो एसिड होता है। मोनोसेक्राइड आपका फर्स्ट कह सकते हो, जो पहले नंबर पे आपके जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ठीक है क्या आपके जो कार्बोहाइड्रेट आते हैं ये आपके होते हैं। ठीक है इसके बाद में आपका डाइसेक्राइड, उसके बाद में आपका यहाँ पे ठीक है पॉलीसेक्राइड्स होती है। अगर यहाँ पे बात करोगे किसकी, अगर आप बात करूंगा फैट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है फैट का जो है एंड प्रोडक्ट क्या होता है तो आपका फैटी एसिड, ठीक है क्या होता है आपका फैटी एसिड होता है और आपका ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है आपका ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन आपके कहाँ पाए जाते हैं तो आपके कह सकते हो आपके प्लांट वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है सॉरी प्लांट में भी ह्यूमन में भी पाए जाएंगे, बट ये बात यहाँ पे ये है कि आपका ग्लाइकोजन है प्लस आपका जो ठीक है स्टार्च होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं। ठीक है क्या होते हैं आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है ये बताना चाह रहा था मैं, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है अमीनो एसिड होता है। भाई साहब अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, और नेक्स्ट एमसीक्यू पे आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी स्टडी अच्छे तरीके से हो पाए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टा आईडी है मनी तिवारी 123, इस पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307781182, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है यहाँ पे 237 नंबर का एमसीक्यू, ये कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिएजेंट डिपस्टिक, यानी कि यहाँ पे आपका जो रिएजेंट डिपस्टिक है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ट्रू होगा। तो ऑप्शंस पहले देखते हैं, हीट एंड मॉइस्चर डू नॉट अफेक्ट रिएजेंट रिएक्टिविटी, तो क्यों नहीं इफेक्ट करेगा भाई, कोई भी जो भी आपके टेस्ट है उसमें आपके हीट और मॉइस्चर हमेशा उसके एक्टिविटी में भाग लेते हैं, यानी कि उसके ठीक है उसको इफेक्ट करते हैं। ओके ऑप्शन नंबर बी है, टाइमिंग ऑफ ईच रिएजेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि प्रत्येक टेस्ट का प्रत्येक रिएजेंट का जो टाइमिंग है वो आपका अलग अलग होता है, तो भैया बिल्कुल वहां पे अलग अलग होंगे ये भी नेसेसरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इधर राइट नहीं होगा। रिएजेंट स्टिक आर हेल्ड वर्टिकली व्हेन रीडिंग, यानी ये कह रहा है कि रिएजेंट स्टिक को हमेशा आप वर्टिकली देखो जब आप उसको रीड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है आप प्योर कलर मैच को सही से कराओ, ठीक है लाइट में आप हो जिससे आप प्योर कलर को मैच करा सको, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको एकदम से वर्टिकली रख के ही करो, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत जाएगा। ऑल रिएजेंट स्टिक टेस्ट टू डू स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि टेस्ट जो होते हैं आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ किए जाते हैं, तो गलत है आपका ये भी। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि रिएजेंट स्ट्रिप शुड बी टेस्टेड डेली विद कंट्रोल, तो भाई बिल्कुल सही है, कोई भी टेस्ट है आपके लेबोरेटरी का कोई भी टेस्ट है ठीक है वहां पे कंट्रोल बहुत माने रखता है, आप उसको कंट्रोल से क्या पता कर पाते, कंट्रोल से आपकी क्वालिटी कंट्रोल बनी रहती है, ठीक है क्वालिटी बनी रहती है कि आपकी जो मशीन से अच्छे काम कर रहे हैं, आपके जो रिएजेंट है अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, उनका टेम्परेचर मेंटेन है, तो उसके लिए डेली जो कंट्रोल है वो लगाना चाहिए, ठीक है इससे हमें बहुत ही अच्छा फायदा होता है अपने लैब को चलाने के लिए। ठीक है तो जब भी कोई भी चाहे आप यहाँ पे स्ट्रिप टेस्ट कर रहे हो, अदर कोई बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल जरूर करना चाहिए शुरुआत, यानी कि दिन की शुरुआत करने से पहले, टेस्ट की शुरुआत करने से पहले हमें क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है
चलिए तो ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा 288 नंबर का एमसीक्यू है। ए 1/8 डाइल्यूशन ऑफ यूरिन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में आपके ये पूछा गया है कि 1/8 डाइल्यूशन का जो यूरिन है उसके हिसाब से क्या ऑप्शन राइट जाएगा, 1 पार्ट वाटर और 8 पार्ट आपका यूरिन होगा, या फिर आपका 1 पार्ट यूरिन 8 पार्ट वाटर, 1 पार्ट यूरिन 7 पार्ट वाटर, या फिर आपका 1 पार्ट वाटर और 7 पार्ट यूरिन, या फिर आपका 1 पार्ट वाटर और आपका 9 पार्ट ऑफ यूरिन हो जाता है। तो देखिए अगर इसके राइट आंसर की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो आपका डाइल्यूशन है 1/8 का, इसका मतलब है कि 1 पार्ट आपका वाटर रहेगा और 7 पार्ट आपका क्या रहेगा, यूरिन रहेगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू पे, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 239 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि बिफोर परफॉर्मिंग एन आर एंड एम ऑन स्पेसिमेन द यूरिन वुड बी, अब आर एम क्या होता है आपका रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, ठीक है, रूटीन और आपका क्या हो जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे रूटीन और माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन को, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हो, टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो, तो यूरिन का सैंपल कैसा होगा, फिल्ट्रेटेड होगा, ठीक है, ब्रॉड टू रूम टेम्परेचर, यानी कि इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे पहले, या फिर आपका सेंट्रीफ्यूज करोगे, या फिर आपका बेल मिक्स्ड होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों जाएगा, यानी कि ए भी राइट जाएगा और ए भी राइट जाएगा। तो बिल्कुल भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई द राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों राइट जाएगा, क्योंकि आपका जो भी यूरिन है, ठीक है, यूरिन जब इसको क्या करते हो, मान लो आप अगर इसके 1 घंटे के अंदर सैंपल को टेस्टिंग पे रख दिए तो ठीक है, अगर टेस्ट नहीं लगा पाते हो तो उसको क्या करते हो, ठीक है, प्रिजर्व कर लेते हो, क्या करते हो भाई, इसको प्रिजर्व कर लेते हो। प्रिजर्व आप या तो केमिकल डाल के करोगे, या फिर आप रेफ्रिजरेटर में डालोगे, यानी कि अपने फ्रिज में डालोगे। अगर आप इसको फ्रिज में डाल दिए हो तो टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको रूम टेम्परेचर पे लाना होगा, और रूम टेम्परेचर पे लाओगे साथ साथ में इसको आप बेल मिक्स भी करोगे, क्योंकि जब अपने यूरिन सैंपल को आप रख देते हो तो जो आपके भारी पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो नीचे बैठ जाएंगे तो टेस्ट में यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट आ जाएगा अगर आप उसको लगाओगे, इसीलिए टेस्ट करने से पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाओ, उसके बाद में उसको बेल मिक्स करो, उसके बाद में आप क्या करोगे, टेस्ट को परफॉर्म कर लोगे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर एक ऑप्शन होगा सेंट्रीफ्यूज्ड, तब यहाँ पे अगर वो भी राइट होता, यानी कि ऑप्शन में अगर यहाँ पे सी भी दिया होता तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि माइक्रोस्कोपी करने के लिए हमें इसको सेंट्रीफ्यूज भी करना होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दो ही दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग दो ही राइट यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 240 नंबर का है। ये कह रहा है कि ये बैकअप टेस्ट टू कंफर्म ए पॉजिटिव प्रोटीन इज इन यूरिन शुड बी, यानी कि अगर आपको यूरिन के पॉजिटिव कंफर्मेटरी करनी है, पॉजिटिव की पता लगाना कि पॉजिटिव है कि नहीं, तो इसमें कौन सा आपके यूरिन का बैकअप टेस्ट हो जाता है आपके प्रोटीन के लिए, मूत्र में सकारात्मक प्रोटीन की पुष्टि के लिए एक बैकअप परीक्षण कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इक्टो टेस्ट है, SSA टेस्ट है, क्लीननेस है, TCA टेस्ट है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी और डी इज द राइट आंसर जाएगा। तो देखो अगर बात करेंगे, ठीक है, इक्टो टेस्ट की, तो ये किसके लिए, आपके यूरिन के बिलरुबिन के लिए किया जाता है। ठीक है, बिलरुबिन के लिए किया जाता है, इसमें एक टेबलेट होता है, टेबलेट के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं, इसमें जो आपका रिजल्ट आता है अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपका ब्लू पर्पल कलर देखने को मिलेगा, क्या, ब्लू पर्पल कलर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, SSA आपका क्या हो जाता है, सल्फो सैल्सिलिक एसिड हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, सल्फो सैल्सिलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, सैल्सिलिक इसको देख लेना भाई, सल्फो सैल्सिलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, सल्फो सैल्सिलिक एसिड हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, ठीक है, TCA टेस्ट, तो ये भी आपके ऐसे, तो सल्फो सैल्सिलिक एसिड फिर से एक बार समझ लो, ठीक है, इक्टो टेस्ट बिलरुबिन के लिए, SSA टेस्ट सल्फो सैल्सिलिक एसिड, यानी ये भी आपके यूरिन प्रोटीन के लिए, ठीक है, किसके लिए, आपके यूरिन प्रोटीन के लिए, और जो आपका TCA टेस्ट है ये भी आपके यूरिन के प्रोटीन को पता लगा सकता है। ठीक है, यूरिन के प्रोटीन का पता लगा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ई इज द राइट आंसर जाएगा। अदर प्रकार के अगर प्रोटीन टेस्ट की बात करोगे तो आपका एक हीट टेस्ट हो जाता है, ठीक है, हीट कैलकुलेशन टेस्ट हो जाता है, क्या, हीट कैलकुलेशन टेस्ट हो जाता है। उसके बाद में हमने आपको बताया है क्या, एक हमारा हो जाता है हीलर टेस्ट, हीलर टेस्ट में हमने बताया था नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का। तीसरा आप सभी को पता ही चल गया होगा, सल्फो वाला हो जाता है, ठीक है, सल्फो हो जाता है, ठीक है, सल्फो टेस्ट हो जाता है, ठीक है, सल्फो प्रोटीन टेस्ट हो जाता है। इस तरह से एक आपका हो जाता है क्या, डिप स्टिक, ठीक है, डिप स्टिक टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोटीन्स को पता कर सकते हो अपने प्रोटीन्स का। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो SSA टेस्ट और आपका TCA टेस्ट, इन दोनों के द्वारा आप यहाँ पे यूरिन प्रोटीन का पता लगा सकते हो। ठीक है, इक्टो टेस्ट को ध्यान रखना, इक्टो टेस्ट जो हमारा है उसको हम बिलरुबिन के लिए करते हैं, यूरिन बिलरुबिन को पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका 241 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि व्हिच टेस्ट शुड बी इंक्रीज इन एन यूरिन स्पेसिमेन सेटिंग एट रूम टेम्परेचर फॉर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे तक अगर आपने मूत्र सैंपल को रख देते हो, अगर अपने यूरिन सैंपल को रख देते हो, तो यहाँ पे आपका कौन सा मात्रा जो है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे तक कमरे के तापमान पर बैठे यूरिन के नमूने में कौन सा परीक्षण का प्रमाण बढ़ जाएगा, बिलरुबिन, नाइट्राइट, ल्यूकोसाइट, यूरोबिलिनोजन या फिर आपके कीटोन बढ़ जाएंगे। तो देखो कहीं कहीं पे तो आपको कीटोन भी मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी इज द राइट आंसर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है नाइट्रेट। क्या प्रेजेंट होता है आपके यूरिन में, नाइट्रेट प्रेजेंट होता है और नाइट्रेट बदल जाता है नाइट्राइट में। किसमें, आपके नाइट्राइट में। ठीक है, किसमें, आपके नाइट्राइट में बदल जाता है। कब बदलता है, जब आपके यूरिन के जो बैक्टीरिया है, ठीक है, यूरिन के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनका रिडक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, आपका रिडक्शन होने लगता है। तो इस कंडीशन में आपका जो यूरिन का नाइट्रेट है वो आपका किसमें बदल जाता है, नाइट्राइट में बदल जाता है। अगर कोई सैंपल 3 घंटे तक रखा रहेगा भाई साहब, तो जरूर से यहाँ पे आपके बैक्टीरिया का रिडक्शन होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 242 नंबर का एमसीक्यू, वाटर फ्री ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि अगर एक वाटर है, अगर वो आवेशित कणों से मुक्त है, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टिल वाटर कहलाएगा, रेडियोएक्टिव कहलाएगा, क्लोरिनेटेड कहलाएगा, या फिर आपका डीआयनोजाइड कहलाएगा, या फिर आपका हैवी कहलाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा, किसको हम डी ठीक है आयनोजाइड कहेंगे। और अगर बात करेंगे हैवी वाटर की, तो हैवी वाटर को हम डी टी ठीक है डी टू ओ कहते हैं, ठीक है डी टू ओ कहते हैं। इसके आपके समस्थानिक वगैरह होते हैं आपके H2O के, वो आपका भारी जल में ठीक है परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें हम डी आयनोजाइड होता है अगर उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं मौजूद हैं तो। 243 नंबर का एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेप यूजिंग द सीरोलॉजिकल पिपेट। ठीक है, सीरोलॉजिकल पिपेट को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा इसके लिए स्टेप जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखो इस सभी स्टेटमेंट्स को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन क्या है आपका इनकरेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सीरोलॉजिकल पिपेट होता है, इसपे क्या, इसपे कंटेनर सेपरेटर कंटेनर नहीं बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्लास में हम लोग इक्विपमेंट के ऊपर क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग लेबोरेटरी जो इक्विपमेंट है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्लासेस इसकी लगेंगी और उसके बाद में आपको इक्विपमेंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 2 से 3 प्रश्न आपके इक्विपमेंट से पूछ ले जाते हैं और आप लोग वहाँ पे उसको रॉन्ग करके चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 244 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि ए टीसी पिपेट इज, यानी कि आपका टीसी पिपेट क्या होता है, अलाउ टू ड्रेन फ्रीली, यानी कि इसको ड्रेन फ्रीली कर सकते हो, या फिर आपका मार्क्ड विद डबल रिंग एट द ठीक है माउथ पीसेस, यानी कि जो आपका माउथ पीसेस होते हैं वहाँ पे आपके डबल रिंग पाए जाते हैं। यूज टू टॉक्सिक ठीक है कोरोसिव लिक्विड, यानी कि टॉक्सिक कोरोसिव लिक्विड के लिए यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, इम्पटीड ठीक है फोर्सिबली विथ सेफ्टी ग्लव्स, यानी कि इसको जब इसको आप फिल आउट कर रहे होते हो तो वहाँ पे सेफ्टी ग्लव्स को हटा दिए होते हो, या फिर रिंस आउट आफ्टर डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये आपका क्या होता है ठीक है रिंस आउट आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद, यानी कि छोड़ने के बाद आप यहाँ पे इसको रिंस आउट करते हो। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर जाएगा। ओके, अगला एमसीक्यू है यहाँ पे 245 नंबर का, और ये कह रहा है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट टू रिलीज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका आरबीसी है, आरबीसी जब यहाँ पे टूटता है तो किसको रिलीज करता है, आपकी हीमोग्लोबिन को रिलीज करता है। अगर आपके हीमोग्लोबिन को रिलीज करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहेंगे, हेमोस्टेसिस कहेंगे, एरिथ्रोपोइसिस कहेंगे, हीमोलिसिस कहेंगे, या फिर आपका हाइपोक्सिया कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा, आपका हीमोलिसिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब समझ रहे होंगे ना कि आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, आपका एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, कहाँ पे, आपके टिश्यू लेवल में। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे, टिश्यू लेवल में। ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाओ, 246 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि व्हिच फैक्टर में कॉज ब्लड स्मेयर टू बी थिन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें आपका जो ब्लड स्मेयर है, ठीक है, जो पेरिफेरल स्मेयर है वो पतला बन जाता है। ऑप्शंस आपके द एंगल बिफोर स्प्रेड टू थिन, यानी कि जो आपका एंगल है, यानी कि आपकी स्लाइड और जो आपकी स्प्रेडर है उसका जो एंगल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, हाई हो जाता है तब कोई दिक्कतें आ रही होती हैं। या फिर द एज ऑफ स्प्रेडर इज क्रैक्ड, यानी कि जो स्प्रेडर का एज होता है ये क्रैक्ड होता है। ठीक है, ये क्रैक्ड होता है तब ऐसी दिक्कतें आती हैं।
या फिर जो आपका ठीक है स्प्रेडर है इसको हम स्लोली फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। जब इसको आप फॉरवर्ड करोगे तो क्या करोगे, स्लोली करोगे, ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकती है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है द एंगल ऑफ स्प्रेडर इज टू लो, यानी कि जो आपके स्प्रेडर है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आपका स्प्रेडर है और आपका ये क्या है, आपका स्लाइड है, इसकी जो एंगल है वो आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तब आपको पतला, ठीक है, स्मेयर देखने को मिलता है। या फिर आपका ये डर्टी स्प्रेडर इज यूज, देखो भाई अगर डर्टी स्प्रेडर यूज करते हो, क्रैक स्प्रेडर यूज करते हो, तो वहां पे जो स्मेयर है वो आपके फट जाते हैं, ठीक है, उनमें बीच बीच में बबल्स आ जाती है। लेकिन अगर बात करेंगे हाई और लो की, तो अगर आपकी स्प्रेडर थिक बन रहा है, ठीक है, यानी कि मोटा बन रहा है, तो आपके ये क्या, इस आपका जो हाई होगा उस केस में आपका ये थिक बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा आपका, थिक बनेगा, ठीक है। और अगर वो थिन हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, उसका जो एंगल उसको लो कर दे रहे हो, तो आपका क्या बन जाता है, आपका वो थिन बन जाता है, ठीक है, थिन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। और अगर मैं बात करूं एक्यूरेट एंगल की, ठीक है, तो एंगल आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, 30 से 40 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, 30 से 40 डिग्री के बीच में होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है। अगला आपका है द टेस्ट मेजरिंग टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी इज द, यानी कि आपका जो मेजरमेंट है किसके, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की, आरबीसी में जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, अगर उसके मेजरमेंट करना है, उसकी क्षमता को नापना है, तो कौन सा टेस्ट करोगे, सीबीसी, एसटीसी, या फिर आपका ईएसआर, हीमोग्लोबिन, या फिर आपका एमसीबी। देखो बहुत बच्चे यहाँ पे एचबीजी जो लिखा है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दूसरा आंसर कराते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है भाई आप सब हीमोग्लोबिन, क्या हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन, कैसे, हीमोग्लोबिन का एच हो जाता है, उसके बाद में आपका जी हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो बी है उसको ले लिया जाता है, तो क्या बन जाता है आपका HgB बन जाता है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि अगर आपके आरबीसी में अगर आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को पता लगाना है, तो आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन को करोगे। और अगर आपको पूरा होल ब्लड देखना है, ठीक है, हीमोग्राम, या आप कह सकते हो कि पूरे सीबीसी को टोटल ब्लड काउंट करना है, तो आप सीबीसी करोगे। हेमेटोक्रिट को पता कराना है, तो वहाँ पे आपका एसटीटी हो जाता है, ठीक है, हेमेटोक्रिट, ठीक है, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि हमने बताया कि प्लाज्मा में आपका जो है आरबीसी कितना फॉल हो रहा है, ये आपका पता लगाता है किसके द्वारा, ईएसआर के द्वारा। सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारे एमसीक्यू लेक्चर उसमें हम लोगों ने समझा है, ठीक है। अगला आपका 248 नंबर का एमसीक्यू है, एन इमेच्योर रेडियो, ठीक है, एन इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका एक अपरिपक्व न्यूट्रोफिल्स है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट सेल कहते हैं, एली सेल कहते हैं, बैंड सेल कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, या फिर आपका पैक्ड सेल कहते हैं। तो देखो भाई पैक्ड सेल जब हम बात करेंगे तो आपकी किसकी कंडीशन बनता है, आपके आरबीसी का कंडीशन बनता है, किसका, आपके आरबीसी का कंडीशन बनता है। अगर यहाँ पे बात करोगे किसकी, बैंड सेल की, तो यही आपका राइट आंसर जाएगा, क्या जाएगा आपका, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बैंड सेल हो जाता है भाई साहब, क्या हो जाता है आपका, बैंड सेल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैंड सेल कहते हैं, ठीक है, इसको आप स्ट्रेप सेल भी कहते हो, ठीक है, स्ट्रेप सेल भी कहते हो, उसके बाद इसको आप इमेच्योर पॉली भी कहते हो, इमेच्योर, ठीक है, पॉली भी कहते हो, ठीक है, इमेच्योर पॉली भी इसको कहते हो, तो ये सब आपके नाम हो जाते हैं आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स के, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे यहाँ पे आपका 249 नंबर का एमसीक्यू है, और 249 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि द टेस्ट डेड काउंट इन नंबर ऑफ इमेच्योर आरबीसी इज द, यानी कि अगर आपके आरबीसी में जो आपका इमेच्योर आरबीसी होता है, सॉरी आपके आरबीसी में नहीं, आपका जो इमेच्योर आरबीसी होता है, अगर उसका पता लगाना है, तो आपका यहाँ पे कौन सा टेस्ट होगा, ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट, डिफरेंशियल रेटिकुलोसाइट काउंट, आरबीसी काउंट, या फिर आपका स्टेप सेल काउंट। देखो स्टेप हमने बताया क्या होता है आपका, ये इमेच्योर आपका क्या होता है, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि इमेच्योर आरबीसी को काउंट करना है तो क्या करोगे, तो आप रेटिकुलोसाइट काउंट करोगे, क्योंकि जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं वो आपके रेटी काउंट ही होते हैं, रेटिकुलोसाइट ही होते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या बनता है आपका, रेटी बनता है, और रेटी के बाद परिपक्व होकर क्या बनता है आपका, आरबीसी बनता है, तो इससे पहले स्टेप हुआ ना, तो इसी को हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मल रेंज की, क्या आपके नॉर्मल रेंज की क्या होता है, तो आपका ये 0.5 से लेकर 2% होते हैं आपके एडल्ट में। और अगर बात करेंगे कार्ड ब्लड में, क्या आपके कार्ड ब्लड में, तो आपका ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1 से लेकर 7% के बीच में होता है, ठीक है, 1 से लेकर 7% के बीच में होता है। डिफरेंशियल का मतलब डीएलसी हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे किससे, डब्ल्यूबीसीसी ये रिलेट करता है। ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट पैदली हम लोग यहाँ पे आरबीसी में ही करते हैं, और आपके अलग प्रकार के जो एनीमिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, और लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं, ये कह रहा है कि
Which test does not monitor a patient coagulation mechanism? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको हम coagulation mechanism नहीं नाप सकते, ठीक है? कौन सा ऐसा मॉनिटर है जो कि पेशेंट के coagulation mechanism को नहीं बता पाता है? PT, ACTH या फिर आपका APTT या फिर आपका FDC या फिर आपका platelet count। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे ACTH की तो आपका क्या होता है, एडेनोकोर्टिन हार्मोन्स हो जाते हैं, तो यही आपका एक कॉगुलेशन ठीक है मैकेनिज्म को नहीं नाप पाएगा। और आपका जो पीटी है, एपीटीटी है, एफडीसी है या फिर आपका डी डायमर हो जाता है, प्लेटलेट काउंट हो जाता है, ये सभी क्या करते हैं आपके कॉगुलेशन मैकेनिज्म को नापते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है? तो हमें उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कतें हो रही है तो भी कमेंट करके आप बता सकते हो, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है मनी तिवारी 123, इस पे जाके अगर आप मैसेज करना चाहते हो कोई प्रश्न का, कोई और एग्जाम से रिलेटेड चीजों का, तो यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो हमारा आईडी है MediGM ट्यूटोरियल, इसको सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।